वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैंने बहुत पहले 3 से 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ टू स्टार्ट गारमेंट बिजनेस, घर से कपड़ों का काम कैसे चालू करें या कपड़ों का काम कैसे चालू करें। तो वो मेरी वीडियो काफी अच्छी खासी आप लोग पसंद कर रहे हो, उससे काफी अच्छा खासा उस वीडियो को प्यार दे रहे हैं। बट वो वीडियो जो है मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट बनाई थी, मतलब 1 से 1.5 मिनट का वीडियो था। तो मैंने सोच रही हूँ कि एक वीडियो और मैं बिल्कुल सेम उसी टॉपिक पे, बिल्कुल सेम जो चीजें मैंने उसमें बताई थी वही चीजें मैं इसमें बता रही हूँ, बट थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने बात किया था उस वीडियो में कि जब भी आप मान लीजिए घर से कपड़ों को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी शॉप खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें बजट आप कितना लगाए हैं स्टार्टिंग में। मान लीजिए आप घर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 10 से 20 हजार में आप आराम से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे देखिए, आप कोई भी काम चालू करते हैं तो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होता है, मतलब मुनाफा होता है, एकदम से आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इसके अलावा मान लीजिए आप दुकान से कोई छोटी मोटी आप दुकान कर रहे हैं या फिर ठीक ठाक सी दुकान कर रहे हो, तो कम से कम आपके हाथ में 50 से 1 लाख रुपए आपके हाथ में होने चाहिए, मतलब 50+ होना चाहिए आपके हाथ में। उसके बाद आप कोई अच्छी सी दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि दुकान घर पे तो क्या होता है कि घर पे आसपास के सोसाइटी से कुछ लोग आएंगे, अगल बगल से ही लोग आएंगे। बट दुकान का मतलब ये होता है कि आप एक मार्केट के बीच में बैठे हैं जहाँ पे आस पड़ोस सभी जो जैसे जहाँ पे आप रहते हैं सभी दुनिया के भर के वहाँ पे लोग आ रहे हैं। और आप जैसे मान लीजिए दुकान में आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो आपके पास काफी सारी वैरायटी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं खोल रखी हूँ, मैंने नया नया शॉप ओपन किया, तो 10 कपड़े लेके मैं वहाँ पे नहीं बैठ सकती, कम से कम मुझे उसकी 15 से 20 से 25 मेरे पास वैरायटी होनी चाहिए एक ही ड्रेस के अंदर। अब मान लीजिए कि आपके पास, अब तो ये हो गई बजट की बात, अब हम बात कर लेते हैं आपने बजट भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने शॉप में रखना क्या क्या है, चाहे आप घर से स्टार्ट करें चाहे कोई शॉप ओपन करें, आपको रखना क्या क्या है आप ये डिसाइड कर लीजिए पहले। क्योंकि मार्केट में आपको कपड़ों की एक से बढ़कर एक वैरायटी मिल जाएगी। आप मार्केट में मान लीजिए होलसेल मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहां जाते ही आप सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लेना क्या है और क्या नहीं लेना है। इसलिए हमेशा घर से, जैसे मान लीजिए आप लेडीज हैं, घर से आप कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो घर पे ही आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने घर पे मतलब जो काम चालू कर रहे हैं या फिर आप जो शॉप ओपन कर रहे हैं उसमें आप रखेंगे क्या क्या। मान लीजिए समर्स का मौसम है, मैं लेडीज की स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं लेडीज में नोट कर लूंगी कि कुर्तीज तो रखना है क्योंकि वो हमेशा चलती है। कुर्तीज आप हमेशा रख सकते हैं क्योंकि हमेशा चलने वाली चीज है, हर कोई उसे लेना पसंद करता है। कुर्तीज ले सकती हैं, नाइटीज ले सकती हैं, लोअर टी शर्ट ले सकती हैं और अंडर गारमेंट्स ले सकती हैं। तो ऐसे करके आपको लिस्ट बना लेनी है कि आपके पास कितना बजट है और उस बजट में आपको लेना क्या है। तभी तो हम हो गए, चाहे आप शॉप पे करें चाहे घर, बच्चों की करना चाहे तो बच्चों की आपको डिसाइड कर लेना है कि किस किस नंबर के आपके कपड़े आपको लेके आनी है होलसेल मार्केट से। तो आपको हमेशा किसी भी मार्केट में अगर परचेस करने जाते हैं तो उससे पहले आपको लिस्ट जरूर बनाना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जाने के बाद आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लें क्या और क्या नहीं लें। क्योंकि एक तो बजट होता है कम और ऊपर से इतनी सारी वैरायटी दिखती है ना, तो हम हो जाते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। क्योंकि होलसेल मार्केट एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट होता है, किसी भी दुकान के अंदर घुसेंगे ना तो वो वैरायटी दिखाते हुए नहीं थकेगा, आप देखते हुए थक जाएंगे बट वो वैरायटी दिखते हुए नहीं थकेगा, क्योंकि उसके पास एक ही वैरायटी के बहुत सारे उनके पास कैटलॉग्स होते हैं। अब तो ये हो कि बात की हमने, चलिए बजट भी बना लिया और हमने डिसाइड भी कर लिया कि कितने का सामान लेना है और क्या क्या लाना है, ये भी डिसाइड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं होलसेल मार्केट में कैसे परचेज करें। देखिए आपको मैं यहाँ पे एक चीज नॉलेज कर दूं, मान लीजिए आप बहुत छोटा है मतलब घर से हाउस वाइफ हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहे किसी भी शॉप पे हो, तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज की और नॉलेज दे दूं कि मान लीजिए आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी दूर, जैसे बजट आपका कम है और मैं रहती हूँ यहाँ पे राजस्थान सिटी में और यहाँ से मेरा दिल्ली नजदीक पड़ता है, तो मैं दिल्ली से सामान खरीदूंगी, ना कि मैं लुधियाना वगैरह कहीं दूर जाऊंगी, क्योंकि एक तो बजट मेरे पास कम है और ऊपर से आने जाने का किराया लग जाएगा, फिर उस एरिया में कैसा शॉप है कैसा नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, और बार बार हम वहां जा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं पे पता कीजिए कि आपके सबसे नजदीक कौन सा होलसेल मार्केट पड़ता है और आप वहीं से स्टार्टिंग में सामान परचेज कीजिए। उसके अलावा एक और चीज बता दो कि जिस भी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए मैं ये राजस्थान सिटी के भिवाड़ी में रहती हूँ, तो जहाँ पे मेरी शॉप है ना उसके अगल बगल आप उस मार्केट में पता कीजिए कि जिस मार्केट से आप सामान खरीदते हो, मतलब जो नॉर्मल लोकल मार्केट्स होते हैं वहां से आप सामान खरीदते हो, तो वहां पे एक होलसेल की दुकान होगी ही होगी, चाहे कॉस्मेटिक्स की खोल रहे हो आप चाहे कपड़ों की खोल रहे हो, वहां पे होलसेल की दुकान होगी ही होगी। जैसे हमारी भी शॉप में कभी बाय चांस कुछ कम पड़ जाता है, जैसे नाइटीज अंडरगारमेंट्स वगैरह ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो हमें एकदम से तो मार्केट जा नहीं सकते होलसेल मार्केट, तो हम वही होलसेल मार्केट जो हमारे लोकल मार्केट में जो ओपन जो कर रखे हैं उन्होंने होलसेल मार्केट जो खोल रखे हैं, हम सामान वहीं से परचेज करते हैं।
बस फर्क इतना होता है जो होलसेल मार्केट्स होते हैं और ये जो लोकल मार्केट्स में जो होलसेल होते हैं बस 5 से 10 रुपए का फर्क होता है। बट फिर भी माइंड का सोचे कि मान लीजिए वहां से आपको कोई 140 रुपए की कोई नाइटी मिल रही है और यहाँ पे वही चीज 150 या 160 रुपए का देगा, बट यहाँ भी वो आपको थोक में ही देगा, बस वहाँ 6 देता है यहाँ पे 3। इस तरीके से अगर आप प्यार से बात करें समझाएं उनको तो आपको क्वांटिटी थोड़ा कम करके और मिक्स मैक्स करके कैटलॉग बना के दे देगा। बस यही चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी दूर सिटी में मत जाइए अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और कम बजट है आपके पास। तो अब तो ये होगी कि हमने बजट भी बना लिया, क्या लेना है ये भी डिसाइड हो गया और सामान भी लिया है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अब हम सोचने कि भाई अभी इस पे प्राइस कितना लगाना होता है। देखिए मान लीजिए कोई चीज आप 100 रुपए की खरीद के लाए हो तो उस पे तो आप प्राइस अपनी मर्जी से लगा लीजिए कि मैं 150 लगा लिया 200 लगा लिया। बट अगर आप जैसे एक दाम की अगर चीजें खरीदना एक दाम की चीजें बेचना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए कोई भी चीज आप 100 रुपए की लाए हो उस पे आप 150 रुपए की MRP लगा दो और कस्टमर को लास्ट 130 तक दे दो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने हैं। 130 तक दे दो, 150 तक दे दो, क्योंकि वो एकदम से आप 100 रुपए के लाए हुआ 200 तक कहते हैं कि डबल MRP लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। डबल MRP लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कोई नहीं लेता। तो आप इतना बजट लगाइए कि आप माइंड में सोच लीजिए कि 100 रुपए के लेके आई हूँ, 150 रुपए मैंने MRP लगाई, लास्ट 130 तक मुझे इसको देना है। आपने अगर खुद के माइंड में अगर ये चीज सोच ली तो सामने वाले कस्टमर भी भाप लेता है भैया इससे कम में ये नहीं देगा। तो बस यही चीज आप लोगों को समझाना चाहिए कि 100 रुपए के लाए हो तो उस पर 150 रुपए लगाइए, क्योंकि आपने ये स्टार्टिंग में नया नया काम चालू किया है। बाकी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्योंकि आगे आपको GST बनवानी पड़ेगी या फिर और भी काफी सारी दुकान का किराया हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, धीरे धीरे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपको किस कपड़े पे कितना रेंज लगाना हो आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा अपने आप। इसके बाद बात करते चलिए, हमने सामान भी पैसे भी इकट्ठे कर लिए, सामान भी ले आए और कपड़ों पे लगा भी दिया। बट आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप कस्टमर बना रहे थे, आपको स्टार्टिंग में इस चीज पे फोकस करना है कि आपको स्टार्टिंग में कस्टमर बनाना है। तो जो भी कस्टमर है, अगर कस्टमर जो भी चीज मान लीजिए कोई कुर्ती लाए हैं हम 350 की और कोई कस्टमर ले जाता है, हमने उसको 300 की लाए हैं और उस पर 5 रुपए की MRP लगा रखी है और कस्टमर ले जा रहे, कस्टमर कह रहे नहीं मैं तो 350 सिर्फ 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी, बट आपको यहाँ पे उसको दे देना है क्योंकि आपको बनाना है कस्टमर। और उसे भी ले जाएगा तो अपने पड़ोसी में भी कहेगा भैया मैं यहाँ से 350 की लाई, मुझे वहां से सस्ती कुर्ती मिल गई, तो वो 4 लोगों में बताएगा, फिर वो 4 लोग आपकी दुकान पे आएंगे क्योंकि वहां से आपको उनको भी वहां से सस्ती चीज मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब आपकी दुकान एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाए, जैसे आपके पास काफी सारे कस्टमर आने लग जाए, तब उनको रेट टू रेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आप शॉप ओपन करिए तो आपको कस्टमर बनाना सबसे पहला आपका काम है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जितनी नॉलेज इकट्ठी करें उतनी कम है और मैं जितनी नॉलेज आप लोगों को दूं उतनी कम है, क्योंकि धीरे धीरे चीजों का पता चलता है। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गारमेंट्स से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।